बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये 2018 का एसएसटी का पेपर है। तो इसके सिलेबस बिल्कुल वैसे ही है जैसे अब एसएसटी का सिलेबस है। पेडागोजी पोर्शन इसका पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओब्लीगेट स्टेट्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास। तो यहाँ पे 358 नन ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि जो आर्टिकल 25A है उसके तहत 10वीं तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब इसमें दो बातें याद रखनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, और इसकी जो 18th अमेंडमेंट थी, 18वीं तरमीम, ये कब हुई थी? 2018 में। किस गवर्नमेंट के दौर में हुई थी? पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी। 18वीं तरमीम में दो इंपॉर्टेंट बातें की थी, एक की गई थी, एक तो आर्टिकल 25A शामिल किया गया था, और दूसरा जो है वो शामिल किया गया था कि सूबों को अख्तियार दिए गए थे विफाक से लेके, यानी सूबों को एजुकेशनल प्लानिंग, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, करिकुलम, एग्जामिनेशन, ये सारी के सारी जो टास्क हैं ये सूबों की डोमेन में दे दिए गए थे विफाक से लेके। तो ये दो जो है वो काम हुए थे 2010 के अंदर, 18वीं तरमीम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में की गई थी। जो 25 आर्टिकल ए है ये कहता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड हैविंग एज 5 to 16 ईयर, 5 से 16 साल तक के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। 22 द थीरी ऑफ पर्सनैलिटी पुट एम्फोसिस ऑन स्टडी ऑफ होल ह्यूमन बींग, ये जो अब्राहम मेज़लो की थीरी है, ह्यूमनिज्म थीरी, जिसमें उसने वो हायरार्की ऑफ नीड थीरी भी इसी की बेस पे दी है, उसको उसी की बेस पे फिर ह्यूमनिज्म थीरी भी है उसकी। तो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म थीरी या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये अब्राहम मेज़लो हैं, तो ये उसकी थीरी है। तो इस थीरी में ये कहा जाता है कि ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को, ह्यूमन प्रायोरिटीज़ को, इनको प्राइम इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और स्टडी ऑफ होल ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है वो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो होल ह्यूमन बीइंग पे बात करती है वो ह्यूमनिज्म है। बिहेवियरिज्म कहती है कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये इन्वायरमेंट का एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है ये बात करती है। ट्रेड थीरी कहती है कि सर्टन क्वालिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल्स के अंदर जो उसकी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। गॉर्डन एलपुट की ये थीरी है। बिहेवियरिज्म जो है ये दी है उसमें, उसने जे बी वाटसन ने दी है, रॉजर और उसके साथ साथ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और पेवलोव ये इसके सपोर्टर हैं। हु सेड लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। लर्निंग जो है एक्विजिशन और रिटेंशन दोनों चीज़ों का नाम है, 1969 में स्किनर ने कहा था। एक्विजिशन का मतलब हासिल करना, रिटेंशन का मतलब उसको याद भी रखना। तो ये जो स्किनर है ना, इसने दो इम्पॉर्टेंट काम किया हुआ, एक तो इसने प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम टीचिंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, और दूसरा इसने ऑपरेंट कंडीशनिंग थीरी दी थी। जो बिहेवियरिज्म की दो थीरीज है ना इसकी, एक क्लासिकल कंडीशनिंग, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थीरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जिसको आप बोलते हैं वो स्किनर की है। द वे द नॉलेज इज़ क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द लर्नर इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शनिज्म। कंस्ट्रक्शनिज्म क्या कहती है कि नॉलेज बच्चे के माइंड में बच्चा खुद क्रिएट करता है। बिहेवियरिज्म कहता है इन्वायरमेंट से, रियलिज्म कहता है कि ऑब्जर्वेशन से होता है नॉलेज। गोइंग टू फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इज़ कॉल्ड इंडक्टिव, और अगर हम कहें कि गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक तो हम क्या कहेंगे? डिडक्शन। तो इंडक्शन को लिए हम कहते हैं कि एग्जाम्पल टू रूल्स, स्पेसिफिक टू जनरल, ऑब्जर्वेशन टू थीरी, ठीक है, ये इंडक्शन होती है। इसको रिवर्स कर दें, जनरल टू स्पेसिफिक या रूल्स टू एग्जांपल, थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन, ये फिर डिडक्शन कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी मींस लव ऑफ विजडम। फिलोसफी दो ग्रीक वर्ड फिलो एंड सोफिया से लिया गया है। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया मीन विजडम, तो लव ऑफ विजडम इज फिलोसफी। इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज, ठीक है, एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज इज नोन एज इंटेलिजेंस। जब आप एबिलिटी टू लर्न या गेन नॉलेज, लर्निंग होती है, एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज इंटेलिजेंस होती है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक। सर सैयद अहमद खान की ये मूवमेंट थी अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। सर सैयद अहमद खान का जो बर्थ और डेथ है ये भी आप याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 1817 को आप दुनिया में तशरीफ़ ले आए, और अल्लाह ताला ने आपको 27 मार्च 1898 को अपने पास वापस बुला लिया था। सर सैयद अहमद खान की बहुत सारी खिदमत है, लेकिन चंद एक बहुत इम्पोर्टेंट है।
उनमें सबसे पहले 1858 में आपने गाज़ीपुर के अंदर एक मदरसे की बुनियाद रखी, फिर मुरादाबाद में 1863 में एक स्कूल की बुनियाद रखी, 1864 में आपने साइंटिफिक सोसाइटी, ताकि जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके दिया जाए, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपने MA वो हाई स्कूल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल की बुनियाद 1875 में रखी, जो 1877 में जो है वो फिर कॉलेज बना और 1920 में जाके यूनिवर्सिटी बना। ये वो मेजर वर्क्स हैं उनके। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन कराची, ये नन ऑप्शन था क्योंकि कराची ऑप्शंस में नहीं था, पाकिस्तान का पहला कैपिटल कराची था, फजलुर रहमान ने इसको प्रिजाइड किया था और 10 सब कमेटीज इसमें बनाई गई थी और कायदे आजम का मैसेज इसमें रीड किया गया था। फजलुर रहमान पहले इंटीरियर और एजुकेशन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्राइमरीली एंटरप्राइज, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशल इंटरप्राइज है, सोशल इंटरेक्शन होता है। इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक फंक्शन प्लानिंग होता है। वट इज़ द हर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग या डायरेक्टिंग, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मौजूद होगा। वट इज़ द हर्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो हम कहते हैं प्लानिंग। रोल पर्सनैलिटी थियरी 32 है, ये स्टॉक डिल की है। रोल पर्सनैलिटी थियरी किसकी दी हुई है? स्टॉक डिल की। यहाँ पर यह गलत हाईलाइट हुआ हुआ है, स्टॉक डिल इज़ अ करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लाइज, जिसमें आप एम्प्लाइज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं, असाइन करते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। स्टेप टू इन क्लिनिकल सुपरविजन इज, क्लिनिकल सुपरविजन के ये स्टेप्स हैं, प्री कॉन्फ्रेंस ऑब्जर्वेशन एनालिसिस पोस्ट कॉन्फ्रेंस एंड क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ फर्स्ट फोर स्टेप्स, यानी पहले चार स्टेप्स की का क्रिटिसिज्म है। तो जो सेकंड स्टेप होता है ना ऑब्जर्वेशन, ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप इन क्लिनिकल सुपरविजन। हाथॉर्न स्टडीज़ वर कंडक्टेड बिटवीन 1927 टू 32। हाथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, जैसे एक टीचर है, आप पढ़ा रही हैं स्कूल के अंदर, तो आपकी प्रिंसिपल आ जाती हैं, तो आप और ज़्यादा कॉन्शियस होके और ज़्यादा एनर्जी में आके जो है ना वो बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की वजह से, किसी ऑब्जर्वर की वजह से जब हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, दैट इज़ नाउन एज क्या कहलाएगी, हॉथॉर्न इफेक्ट या हॉथॉर्न स्टडीज़। ये कब की गई पहली मरतबा? 1927 में। रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, देखिए डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़ टू अचीव गोल, ये कंट्रोलिंग में आया गिवन ऑप्शन में, ना प्लानिंग है ना सुपरविजन ना रिक्रूटमेंट, दूसरों को डायरेक्ट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ये कंट्रोलिंग कहलाती है। सुपरविजन जो है वो क्या होती है? सुपरविजन द प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग असिस्टिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स, तो इसमें हम असिस्टेंस या हेल्प देते हैं, ठीक है, जिसमें हम काम भी देख रहे होते हैं दूसरों का और उसमें उस काम को ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हेल्प भी करते हैं। तो एजुकेशनल सुपरविजन मींस 37 है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि इसमें हम दूसरों का काम चेक भी करते हैं और उसमें उनको असिस्टेंस भी देते हैं। असिस्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दैट डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द अदर, बोथ ए एंड बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के तीन लेवल्स होते हैं, टॉप मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट। हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये टॉप लेवल में आता है और जो मैनेजमेंट है वो मिडिल और लोअर मैनेजमेंट लेवल जो है इस दोनों इसके अंदर ये आते हैं। ये मैनेजमेंट के चैप्टर में इससे मैंने डिटेल में बात की हुई है। टॉप मैनेजमेंट का काम जो है वो क्या करना होता है? पॉलिसी फार्मूलेशन, वही फंक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। मिडिल और लोअर मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि वो मैनेजर जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज लेकर नीचे दर्जे तक पहुंचाते हैं, और लोअर मैनेजमेंट में वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट बैठे होते हैं जो आने वाले ऊपर से आने वाले मैसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है, जो लोअर मैनेजमेंट है वो शॉर्ट टर्म बनाती है। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म प्लान को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान कोई भी होगा वो स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजी का मतलब भी यही होता है टू अचीव गोल्स। अब उसके लिए फिर जो गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, तो इसलिए उनको उनके लिए फिर हम स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन है, स्पेसिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन जो भी आप कहें, वो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करना, ये क्या कहलाती है? पहला स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर।
41 शॉर्ट टर्म प्लान्स इन एजुकेशन आर जनरली ऑफ। अब प्लान्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तीन वन से थ्री ईयर तक ये जो प्लान होते हैं इनको शॉर्ट टर्म कहते हैं, तीन से पाँच साल तक के प्लान को मीडियम प्लान कहते हैं, और पाँच से दस साल तक के प्लान को लॉन्ग टर्म प्लान कहा जाता है। 1 to 3, 3 to 5, 5 to 10 ये तीन कैटेगरीज में प्लान्स को डिवाइड किया जाता है। हु सेड एजुकेशनल प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये जो डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है एजुकेशनल प्लानिंग की, ये कॉम्स की दी हुई है। प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग अ फ्यूचर एंड एडिक्यूएट फ्यूचर सिचुएशन। प्लानिंग को हम कहते हैं फोरकास्टिंग द फ्यूचर, प्री डिटर्मिनिंग द फ्यूचर, मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूचर इन एडवांस। तो आने वाले कल के लिए जो आज हम करते हैं ना, उसको यानी फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आज सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो आज हिकमत अमली अपनाते हैं उसको प्लानिंग कहा जाता है। उसके बाद 44 है सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाइन ऑल द लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इज रेफर टू एज। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है, ओबियस ही बात है कि वो क्या होती है, वो कग्निशन होगी। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे जो जहनी सलाहियतें हैं, इस्तेदाद है, उसके अंदर चेंज आता है, तो वो कौन सी टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगी, कग्निटिव डेवलपमेंट। 45 है द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम क्या होता है, बच्चे को अंडरस्टैंड करना और उसकी जिस तरह का उसका माइंड है उसके अकॉर्डिंग उसको टीचिंग प्रोवाइड करना। तो ये ऑप्शन भी है टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। कौन सी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस बेस्ट रहेंगी, इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन, ये प्राइमरी गोल होता है किस चीज़ का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है, शुरू में इसको कहा गया पहले दौर में कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है, फिर कहा गया कि ये स्टडी ऑफ दूसरे नंबर पे स्टडी ऑफ पहले कहा गया कि ये साउल है, फिर कहा गया स्टडी ऑफ माइंड है, फिर कहा गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, और अब कहा जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अब साइकोलॉजी को ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी का नाम दिया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी फिर आपको पता है चाइल्ड के बिहेवियर को स्टडी करना और उसके मुताबिक लर्निंग टेक्निक्स डिज़ाइन करना, ये क्या कहलाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम इज, करिकुलम क्या होता है, करिकुलम से मुराद ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसको करिकुलम कहते हैं। सिलेबस आपको पता है कि आउटलाइन होती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती है, कोर्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक्स होती है। ठीक है, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज़ न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल। वो थिंकिंग जिसमें आप एक न्यू डिफरेंट आइडिया जनरेट करते हैं, ये क्या कहलाता है, इनोवेशन कहलाता है। 48 है विच वन ऑफ द थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक। स्पेयरमैन की टू फैक्टर थियरी है, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर थियरी, तो उसके अंदर उसने इंटेलिजेंस को दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया है, डिवाइड किया है। जनरल इंटेलिजेंस यानी आम इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो है वो बच्चे की जहानत, ये जो है जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थियरी स्पीयरमैन के, याद रखिएगा। इंटेलिजेंस की थियरी जितनी भी उनमें से एक का सवाल तकरीबन आता है, ये साइकोलॉजी के चैप्टर में मेरी सब्जेक्टिव बुक और नोट्स में है, वहाँ से इसको पढ़ लें, सारी थीरीज़ को एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें, थीरीज़ के नाम और एटलीस्ट फाउंडर के नाम लाजमी याद रखें अगर और कुछ भी ना कर सकें तो। मूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इन्फेंसी बर्थ से टू ईयर की स्टेज होती है, चाइल्डहुड फिर 3 से 12 ईयर होता है। चाइल्डहुड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हमने, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 ईयर होता है, इसको वाई एज कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 ईयर होता है, इसको गैंग एज कहा जाता है। और उसके बाद 13 से 20 साल तक 19 साल तक का जो पीरियड एडोलेसेंस कहलाता है। तो एडोलेसेंस में भी क्या बनते हैं, मूड्स बनते हैं, विच इज़ मास्टर इमोशन। जो इमोशंस हैं बेसिकली 3 होती हैं बेसिक बॉर्न इमोशन, फियर, लव एंड एंगर। ठीक है, तो फियर, लव एंड एंगर 3 बेसिक इमोशन है, और इन तीनों के अंदर जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस रखने वाली इमोशन है वो फियर होती है। फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इन यंग चिल्ड्रन वो जनरल एक्साइटमेंट, अगर सवाल आ जाए पेपर में तो वो जनरल एक्साइटमेंट होती है कि बच्चे छोटे वो बात को समझे बगैर मुस्कराने लग जाते हैं, ठीक है, या रोने लग जाते हैं। तो वो एक जनरल एक्साइटमेंट जो है वो एक वे होता है बच्चों का अपने एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन शो करने का। 51 एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच द चिल्ड्रन डेवलप
व्हेन ही इज इंगेज्ड इन एक्टिविटी। जीन पियाजे ने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और एडवर्स में उसने जेरम ब्रूनर ने दी है आपकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी उसने दी है जेरम ब्रूनर ने, और उसने दी है एन एल गेज ने कॉग्निटिव टीचिंग थ्योरी दी है। तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, उसमें दो बातों का जिक्र है, एक तो चार वो स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। दूसरी उसने स्कीमा थ्योरी भी दी है, उसने कहा कि हम जो अपने माइंड के अंदर जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन होती है ना अपने माइंड के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन आवर माइंड इज़ नाउन एज स्कीमा। ठीक है, उसको उसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसने कहा कि ये थ्रू हम कैसे करते हैं, अडॉप्टेशन से करते हैं। अडॉप्टेशन को उसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। इस पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर भी, लास्ट उसमें पेपर में, तो मैं डिटेल में दोबारा नहीं जा रहा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग भी दी है और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी दी। ठीक है, कार्ल जंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ विच काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। कार्ल जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट, कार्ल जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसके साथ साथ इसने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी दी है। आर्किटाइप जो है इंटेलिजेंस, उसकी भी बात इसने, आर्किटाइप पर्सनैलिटी की भी इसने बात की है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज़ डिटरमिन्ड थ्रू एवेलुएशन, हम एवेलुएशन के थ्रू करिकुलम के इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करते हैं। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट सेम लेवल, सेम लेवल पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आप इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाती है या ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। जब आप करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट डिफरेंट क्लास लेवल, तो ये वर्टिकल होगी। ठीक है, सेम क्लास लेवल पे हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल कब होगी, जब डिफरेंट क्लास होगी। करिकुलम इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज कोर्सेज एक्टिविटीज एक्सपीरियंस इवेंट्स एक्सपीरियंसेस विच द स्कूल स्टूडेंट्स हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल वेदर इन द क्लासरूम और नॉट। ये क्लासरूम के अंदर या बाहर तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, हिल्डा टाबा ने कहा था, ये क्या कहलाती है, ये करिकुलम कहलाती हैं। और अगर यहाँ पे स्कूल की बात आती है, आइदर वेदर इन द स्कूल आर नॉट इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, तो फिर यहाँ पे जेएफ कर होता। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज़ 140 एंड अबव। इंटेलिजेंस लेवल को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आईक्यू को, आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ईक्यू स्टैंड फॉर इमोशनल क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस लेवल है, ये टीचर का 120 होता है मिनिमम, और गिफ्टेड का 140 प्लस होता है, एवरेज का 90 से 110 होता है, और जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना वो बिलो 70 होते हैं। ये चारों याद रखिएगा। इफ़ द टू आर मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग, द टीचिंग मेथड विल बी नाउन एज एक्लेक्टिक मेथड। में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को आपस में ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को मिला के पढ़ाना एक्लेक्टिक टीचिंग कहलाता है। सबमेटिव एवेलुएशन कब होती है, बिगनिंग, इंटरवल, मिडल, एंड पे होती है। नन इसका दुरुस्त जवाब है। इंटरवल से मुराद यह है कि हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद, नहीं, एंड पे ही होती है सबमेटिव एवेलुएशन। तो नन वाज करेक्ट। तो नन एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर है, इसको भूलिएगा नहीं पेपर में। ड्यूरिंग द डेमोंस्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन प्रॉब्लमेटिक स्टाइल। जब आप डेमोंस्ट्रेशन मेथड से पढ़ाते हैं तो आपको जो टॉपिक है वो आपको एक प्रॉब्लमेटिक वे में जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, इन डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स आर जनरली फोर्स टू वर्क एज अ साइंटिस्ट। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि डिस्कवरी मेथड के अंदर बच्चों को एक साइंटिस्ट के एटीट्यूड के साथ जो है वो वर्क करना चाहिए। अब आर्मस्ट्रॉन्ग ने हेरिस्टिक मेथड दिया था। ठीक है, हेरिस्टिक मेथड का जो प्रिंसिपल था वो लर्निंग बाय डूइंग था। ठीक है, तो अब इसमें जो डिस्कवरी लर्निंग, आपको पता है कि डिस्कवरी लर्निंग थीरी या कॉग्निटिव थीरी ऑफ लर्निंग जेरम ब्रूनर की जो है, तो उसमें बात की गई है उसकी के बच्चे जो है ना वो ग्रुप में कुछ डिस्कवर करें। जबकि जो हेरिस्टिक मेथड है ये भी डिस्कवरी मेथड है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो दिया है, तो इसके मुताबिक जो बच्चा है वो इंडिविजुअली कुछ इन्वेस्टिगेट करे, इंडिविजुअली। परसेप्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ द नॉलेज गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन 75%। 75% इल्म हम कहाँ से गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन या सीइंग से। अच्छा, बाकी जो परसेंटेज है वो होपफुली आप लोगों को याद होगी, 75% आप देखने से लेते हैं और जो है वो 13% आप लेते हैं सुनने से,
6% टच से, 3 स्मेल से और 3 टेस्ट से, ये जो है टोटल परसेंटेज होती है। द नॉलेज गेन थ्रू आवर सेंसेस कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन 3 लेवल्स, 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को हम जनरली डिवाइड करते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज। रोट लर्निंग इज डीमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुला। दो टाइप्स ऑफ करिकुला या सॉरी डिज़ाइंस हैं करिकुलम के, एक है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुला डिज़ाइन और एक है वो एक है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि लर्नर सेंटर्ड जो है ना वो ब्रॉडर है, तो भाई नाम उसका एक्टिविटी सेंटर्ड है तो हम एक्टिविटी सेंटर्ड ही पे टिक करेंगे जब भी सवाल में ये ऑप्शन मौजूद होगा। तो अब देखें यहाँ पे बात की गई है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुला और एक्टिविटी सेंटर्ड में, ये इस पे मेरा रिव्यू का भी चैप्टर मैंने रिव्यू किया है, पूरा करिकुलम का चैप्टर जो है सारा चैप्टर, 1 घंटा 10-15 मिनट की वीडियो है, उसको आप देखें, उस पर मैंने डिटेल में इसके ऊपर बात की है 2 से 3 मिनट, वो भी आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन है ना, इसमें बच्चे रटा लगाते हैं, इसमें क्लास में शोर नहीं होता, टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर पढ़ाता है, बच्चे चुप करके सुनते हैं, टीचर के लिए कोई जो टीचर ट्रेनिंग है वो इतनी उस पर एम्फेसिस नहीं होता, टीचर प्री प्लानिंग करके आता है घर से उसके लिए। जो सब एक्टिविटी सेंटर्ड है ना, इसमें प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसमें टीचर की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें उसने बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है इसमें सब्जेक्ट्स की डिवीज़न जो है ना वो करके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जबकि एक्टिविटी सेंटर्ड में करिकुलम इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाया जाता है मिला के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, ये अंडरस्टूड सी बात है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बगैर जो है वो ऑब्जेक्टिव की उस पर सारा जो लेसन आपका प्लान है वो ऑब्जेक्टिव के साथ होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की वजह से चल रहा होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्लासरूम। क्लासरूम मैनेजमेंट का फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है भाई, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, यानी जो हमारे नॉर्म्स होते हैं क्लासरूम के, रूल्स होते हैं, तो वो जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं तो उनके ऊपर होता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने का नाम है ताकि आपके क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। एक्सपेक्टेशन से मुराद ये है कि हर बच्चा उन चीज़ों को फॉलो करेगा। यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द टीचर्स एंड स्टूडेंट एटीट्यूड, ठीक है, एंड एक्शन दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लासरूम। एटीट्यूड और बिहेवियर में ये फ़र्क होता है कि एटीट्यूड से मुराद ये होता है हम जो देखते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं ना, देखने या सुनने से, टच करने से, छूने से, सूंघने सुनने से, उसके बाद जो हमारे माइंड में एक आइडिया होता है जो वो एटीट्यूड कहलाता है, और बिहेवियर हमारे एक्शंस होते हैं। अब साफ ज़रा जिस बंदे का जिस तरह का एटीट्यूड है, मिसाल के तौर पर एक बच्चे को शरारत सूझी है अपने जहन के अंदर, तो उसके एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होने हैं ना। एक बच्चा मुस्कराना चाहता है तो फेशियल एक्सप्रेशन पे स्माइल होगी, तो एटीट्यूड पे फोकस होता है कि टीचर और स्टूडेंट का एटीट्यूड और एक्शन किस तरह के हैं, ठीक है। टीचर विद नो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम, वीक स्किल्स कंट्रीब्यूट टू नेगेटिव स्टूडेंट आउटकम। वो टीचर जिसका क्लासरूम स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, जिसकी जिसका क्लासरूम स्ट्रक्चर नहीं है और उसकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स वीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अदर्स टू ओबे द रूल्स और नॉर्म्स बाय यूजिंग पनिशमेंट टू करेक्ट द अनवांटेड बिहेवियर। अनवांटेड बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए डिसिप्लिन रूल, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन रूल्स जवाब है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज दोज इवेंट्स एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन डिसीजन टू इनिशिएट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक बच्चे ने अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो ये बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन की गई है कि कैसे क्लासरूम जो है मैनेजमेंट उन इवेंट्स और प्रोसीजर पर मुश्तमिल होता है जो कि एक टीचर यूज़ करता है, डिसाइड करता है अपनी क्लास के अंदर। Rules create clear expectation for the children and need to define what an acceptable behavior is. Rules class के अंदर clearly बताते हैं कि आपसे ये expect किया जाता है, ये positive चीज़ें expect की जाती हैं, time पे आएँ, शोर ना करें, homework अपना class work करें, ठीक है, और ये expect नहीं किया जाता कि आप शरारतें करें, ऊँचा बोलें, क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो आप बातें करें, छेड़खानियाँ करें, तो ये expectations clear होती हैं।
ठीक है, तो ये रूल्स के थ्रू जो है वो क्लियर की जाती हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। इट हेल्प्स, जिसको हम डूज एंड डोंट्स इन क्लासरूम कहते हैं, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द बिहेवियरल चैलेंजेस इन द क्लासरूम एंड आर की टू वेल मैनेज एंड ऑर्गेनाइज क्लासरूम। क्लासरूम की जो रूटीन्स होती हैं जो बिहेवियर मैनेजमेंट और क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो आपको MCQs PDF फाइल में ये पेपर मिला है मेरे स्टूडेंट्स को, तो उसमें टीचर पे भी साथ इसको हाईलाइट किया गया, तो टीचर करेक्ट नहीं है। टू बी इफेक्टिव रिवॉर्ड्स नीड्स टू बी समथिंग टू विच द चिल्ड्रन एस्पायर टू एंड वांट। रिवॉर्ड्स वो चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे एस्पायर भी होते हैं, मोटिवेटेड भी होते हैं, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि उनको ये मिले। 74 का रिवॉर्ड है। 75, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर कैटेगराइजिंग एंड क्वान्टिफाइंग एट्रीब्यूट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स फॉर द थिंग दैट वी ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट। ये बेसिकली क्वान्टिफिकेशन की बात है, ये कैटेगराइजेशन एंड क्वान्टिफिकेशन की बात है, ये तो ये मेजरमेंट होती है जिसमें हम चीज़ों को क्वान्टिफाई करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। 76 है, द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वैल्यूज इन अ सेट इज रेफर टू एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन है, तो वो वैल्यू जो होती है, नंबर होते हैं, उनकी बेस पे हम ये जो है ना वो डिफरेंट सेट बनाते हैं उनके। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है, वगैरह वगैरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। एट द ऑर्डिनल लेवल ऑफ द मेजरमेंट वैल्यूज कैन बी प्लेस्ड इनटू कैटेगराइज दैट आर रैंक ऑर्डर एंड रेटेड अलॉन्ग अ कंटिन्यूम सच एज फ्राम हाई टू लो। ये ऑर्डिनल स्केल होता है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं। चार लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैं जिनको नॉयर कहा जाता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो, इंटरवल एंड रेशो। नॉयर, NOYR। स्टेनले स्मिथ एंड स्टीवन ने 1947 में अपने एक आर्टिकल ऑन द आर्ट ऑफ द मेजरमेंट में ये जो है वो चार लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जो है या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें नॉमिनल है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको लेके चलता हूँ। नॉमिनल में हम सिर्फ चीज़ों को नाम देते हैं और कैटेगराइज करते हैं उनके नाम की बेस पे। मिसाल के तौर पर बॉयज़ और गर्ल्स हैं, मेल एंड फीमेल है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बेस पे आप कर सकते हैं, आई कलर की बेस पे आप लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। मैं सादा करने के लिए ये कह रहा हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स ले ले क्लास के अंदर, कि क्लास में दो कैटेगरीज हैं या तीन हैं, बॉयज़ गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर। आप देखें जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, ये दो कैटेगरीज हमने बनाई हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि बॉयज़ ज़्यादा है या गर्ल्स ज़्यादा है, ये कुछ नहीं पता। बस हमने क्लास को दो हिस्सों में, बॉयज़ अलग हो जाएँ, गर्ल्स अलग हो जाएँ। अब ये है नॉमिनल स्केल। अब इसको जब हम ऑर्डिनल करेंगे, हम क्या कहेंगे कि बॉयज़ की तादाद गर्ल्स से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, कितनी ज़्यादा ये नहीं बताया मैंने। पहले हमने सिंपली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, इसको कैटेगराइजेशन, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल कैटेगराइजेशन के साथ। अब हम इसको ऑर्डर या रैंक करेंगे, ऑर्डर से मुराद तरतीब देंगे, बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि हमने रैंक तो कर दिया कि बॉयज़ पहले नंबर पे हैं, गर्ल्स दूसरे नंबर पे हैं, ट्रांसजेंडर तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन कितने कितने ज़्यादा या कम है, कौन किससे कितना ज़्यादा कम है, ये बताया नहीं गया। तो ऑर्डिनल में इतना ही होता है, रैंक या कंटिन्यूम होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे, ये तीसरे पर, हाई टू लो या लो टू हाई, ये होता है। अब तीसरे बात है इंटरवल स्केल। अब देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंटरवल दो चीज़ों के दरमियान गैप को कहा जाता है। अब जैसे देखें इंटरवल स्केल की दो खूबियां होती हैं, उसी एग्जांपल को ले लें। अब मैं कहूं कि बॉयज़ क्लास में 20 हैं, गर्ल्स जो हैं वो 10 हैं और ट्रांसजेंडर 2 हैं। अब तरतीब समझ आ गई ना, पहले नाम दिया बॉयज़ गर्ल्स ट्रांसजेंडर, फिर हमने क्या कहा कि बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स कम हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि बॉयज़ 10 ज़्यादा हैं, बॉयज़ 10 हैं, 20 हैं, गर्ल्स 10 हैं, ट्रांसजेंडर 2 हैं। अब हमने एक रैंक भी कर दिया और उसके साथ साथ उसका इंटरवल भी बता दिया। अब यहाँ पे एक और बात है कि एक ऐसी ट्रू ज़ीरो पॉइंट को समझें पहले, कि ट्रू ज़ीरो पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। मिसाल के तौर पर किसी की हाइट ज़ीरो है, वेट ज़ीरो है, एज ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ मौजूद ही नहीं। अब देखिए किसी की हाइट नहीं है तो इसका मतलब ज़ीरो हाइट है, तो मतलब वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो वेट है तो साफ़ ज़ीरो वेट वाली कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, वो उसका वजूद ही नहीं है। तो वो ट्रू ज़ीरो उस ज़ीरो को कहते हैं जहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो। अब इसकी मिसाल दूसरे उसमें ले लेंगे, टेम्परेचर है आपका, pH है, ठीक है, ठीक है, टाइम है, टेम्परेचर, टाइम और pH, ये इंटरवल स्केल की एग्जांपल है। यहाँ पे जो है ना
वो जीरो की वैल्यू, जीरो पे भी वैल्यू होती है, जैसे टेम्परेचर जीरो पे एक्सट्रीम ठंड होती है, ठीक है, एक्सट्रीम ठंडा टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, इस तरह टाइम है वो भी पीछे जाता है। मिसाल के तौर पर टाइम जो है ना, ये इसकी वैल्यू मौजूद होती है, ठीक है, जीरो से भी पहले मौजूद। मिसाल के तौर पर अब के टाइम की बात कर लें, ठीक है, इस टाइम के बाद, अब इस टाइम से पहले भी तो टाइम मौजूद है ना, यहाँ पे भी अब हम स्टार्ट करें, इस वक्त भी कोई ना कोई वक्त तो मौजूद है। तो टाइम टाइम टेम्परेचर जो है पीएच, ये एग्जांपल है इंटरवल स्केल की। तो इसमें एक तो ट्रू ज़ीरो मौजूद नहीं होता, यानी ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो की ज़ीरो नहीं होती, और फिर रेशो स्केल है इसमें, एज वेट है हाइट है, तो ये आ जाते हैं कैलवन में जो है वो टेम्परेचर, जहाँ पे ज़ीरो पे टेम्परेचर ज़ीरो ही होता है कैलवन के नज़दीक। तो ये जो है वो चार स्केल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इट डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच वी मेयर व्हाट वी सपोज टू मेयर, ये वैलिडिटी होती है, एक्सटेंट टू विच जिसमें हम वो मेयर करते हैं जो हम मेयर करना चाहते हैं। वैलिडिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन मेयर एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऐसी होती है जिसमें हम एक अपनी मेयर और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के दरमियान हम क्या करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट है। कंटेंट वैलिडिटी वो वैलिडिटी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फेस वैलिडिटी इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखते ही जो है, फर्स्ट साइट में, फर्स्ट लुक में जो आपको बेहतर नज़र आए, जो आपको अच्छा टेस्ट नज़र आए। रिलायबिलिटी इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रिंग टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर टू द सेम ग्रुप ऑन ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स। जो रिलायबिलिटी है इसमें, इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। वैलिडिटी को जो है हम क्या बोलते हैं, वैलिडिटी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। तो वैलिडिटी जो है वो एक्यूरेसी को कहते हैं, करेक्टनेस को कहते हैं, ट्रूथफुलनेस को कहते हैं, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, रिपीटेडनेस, ठीक है, रीअक्रेंस, कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो रिलायबिलिटी की आगे टाइप्स होती हैं, तो उसमें एक है इंटर रेटर और इंट्रा रेटर। इंटर और इंटर में, इंट्रा में फ़र्क है। इंटर जो है ना, सेम स्टूडेंट से जब डाटा आप लेते हैं, टेस्ट लेते हैं एक से ज़्यादा बार, तो वो इंट्रा होगा। अगर डिफरेंट स्टूडेंट से सेम टाइम में टेस्ट लेते हैं तो वो इंटर रेटर कहलाएगी। अब भाई आपको अगर बिल्कुल भूल रहा हो तो एक बात याद रखिएगा, सेम स्टूडेंट, सेम सैंपल, सेम इंडिविजुअल जबकि जब बात होगी तो वो इंट्रा होगा, जब डिफरेंट स्टूडेंट सैंपल या इंडिविजुअल की बात होगी तो वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी होगी। 81 है, इट इज़ द कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ रिकगनाइज प्रोसेस ऑफ जजिंग इट्स इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी एंड एनी अदर आउटकम। ये वैल्यूएशन होती है जिसमें आप किसी चीज़ को जज करते हैं, फाइंडिंग आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम, टू वर्क, टू फाइंड आउट द, टू जज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस, ये वैल्यूएशन होती है। 82 है, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टूल अपेयर्स टू मैयर वाट एवर इट अपेयर्स टू मैयर, से मुराद ये है कि अपेयरेंस में ही वो आपको ठीक लगे, तो ये फेस वैलिडिटी होती है, अभी बताया मैंने। द केस स्टडी इज द स्टडी ऑफ सिंगल ग्रुप इंडिविजुअल, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल कम्युनिटी, इसमें भी नन ठीक था क्योंकि ये सारे करेक्ट हैं। 87, अ सेट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड फिल इन बाय द इंटरव्यूअर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन विद अनदर पर्सन इज नाउन एज इंटरव्यू स्केड्यूल। आप ये देखें, एक होते क्वेश्चन, एक होते इंटरव्यू स्केड्यूल। क्वेश्चन में ये है, जैसे मैंने आप लोगों को ग्रुप में कल एक अपने सारे ग्रुप्स में एक भेजा है, क्वेश्चनर भेजा है, तो उसमें मैंने क्या चीज़, उसमें सवाल नामे हैं, तो वो क्वेश्चनर हैं, तो वो क्वेश्चनर आपने फिल करने हैं, ठीक है। फिल कैसे करेंगे, सवाल है, उसके नीचे फिक्स चॉइस एमसीक्यूज हैं, तो उनमें से आपने एक ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अब जब इसके, ये होती है क्वांटिटेटिव स्टडी में क्वेश्चनर यूज़ करते हैं। जब आपकी स्टडी रिसर्च क्वालिटेटिव होती है ना, तो क्वालिटेटिव का रिसर्च का टूल है ये इंटरव्यू स्केड्यूल। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ने जिन अपने सैंपल से इंटरव्यू लेना है, आप उनके पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देते हैं, और आप उनके सवालात के जवाबात क्या करते हैं, खुद लिखते जाते हैं। यही बात यहाँ स्टेटमेंट में लिखी हुई, ये इंटरव्यू स्केड्यूल होते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो क्वेश्चनेयर होता है रिसर्च के अंदर। तो 88 है, व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा आर यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में दो तरह का स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल। जो आप पॉपुलेशन से डाटा लेते हैं डिस्क्रिप्टिव होता है, और जो सैंपल से लेकर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, एक गैस होता है, एक अंदाज़ा होता है, ठीक है, तो इट इज़ अ टेम्परेरी गैस, ठीक है, जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। मिसाल के तौर पर डिस्प्रीन खाने से सर दर्द ठीक होता है, अब ये एक हाइपोथेसिस है। अब इसको आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, जिसके दर्द में दर्द दे सर है जिसे, उसे डिस्प्रीन खिलाएंगे, देखेंगे कि डिस्प्रीन खाने से उसको सर दर्द ठीक हो जाता, आपका हाइपोथेसिस ठीक हो गया। और अगर ठीक नहीं होता, मिसाल के तौर पर सर दर्द के लिए ये दवा मुवसर नहीं है, ठीक है, आपने ब्रोफन खा ली सर दर्द के लिए और आप कहते हैं ब्रोफन खाने सर दर्द ठीक होता है, किसी को सर दर्द है उसने ब्रोफन उसको खिलाई सर दर्द ठीक ना हुआ, इसका मतलब ब्रोफन और सर दर्द में कोई रिलेशन नहीं है। जब दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है और हम जो हाइपोथेसिस उसके लिए बनाते हैं, अगर वो ट्रू साबित हो जाए, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस। और जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई वैल्यू और कोई रिलेशन हो ही ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस। तो डिफरेंस बिटवीन टू पैरामेट्रिक मीन इज़ जीरो, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जीरो है, तो इसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टेब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ ये जनरल अयूब खान के दौर में ये कमीशन बना था 1959 में, और उस वक़्त के जो वज़ीर तालीम आप कह लें वो एसएम शरीफ थे, एसएम शरीफ की सरबराही में 1959 का कमीशन बना था। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन कहते हैं और ये पाकिस्तान के एजुकेशन का कॉर्नर स्टोन कहलाता है। एसएम 59 का कमीशन जो है इसको शरीफ कमीशन भी कहा जाता है। 91 है, नेक्टे इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने सूबे हैं, हर सूबे के अंदर एक इदारा है, नाम याद रख लें, रटा लगा लें, PITE, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, हर सूबे के अंदर मौजूद है। ये करिकुलम का जो मेरा चैप्टर है उसके जो नोट्स हैं उसके अंदर इनकी सारी डिटेल लिखी हुई है, मज़ीद आपने वहाँ से अगर पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा। जो नोट्स मैंने स्टूडेंट को दिए हुए हैं तो उसमें करिकुलम के चैप्टर के जो नोट्स हैं करिकुलम इंस्टीट्यूट्स में, तो उसमें PITE प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन ये हर सूबे के अंदर मौजूद है। तो सूबों के अंदर जो टीचर एजुकेशन है वो कौन देता है, PITE देता है। लेकिन पंजाब और सिंध में दो अलग से बॉडीज़ भी काम कर रही हैं। पंजाब के अंदर एक इदारा है जिसका नाम है QAED, कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो जो PITE है वो इसके अंदर मर्ज हो चुका हुआ है। इसी तरह सिंध के अंदर जो है स्टीडा, ठीक है, स्टीडा जो है सिंध के अंदर काम करने वाला एक अलग से इदारा है जो टीचर एजुकेशन पे काम कर रहा है, टीचर ट्रेनिंग पे काम कर रहा है। तो ये तो स्कूल लेवल पे हो गए ना, अब कॉलेज हाई यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग सॉरी जो ट्रेनिंग है टीचर की वो कौन देता है, तो उसके लिए एक इदारा है, नाम याद रख लें, नाही, NAHE रिस्पॉन्सिबल है। HE के ये दो इदारे हैं, नाही है नेक्टे। नाही का काम क्या है, क्या होता है, नेशनल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन, वो जो हायर एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है, HEC का ये इधर। अच्छा, इसके साथ नेक्टे है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेक्टे। नेक्टे जो है ना, आप जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जैसे पहले होता था PTC प्राइमरी टीचिंग कोर्स, या CT होता था सर्टिफाइड टीचर, फिर आ गया बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, फिर आ गया मास्टर ऑफ एजुकेशन MEd, ठीक है, फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन यानी MA एजुकेशन, फिर आ गया MPhil एजुकेशन फिलोसफर मास्टर ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन, फिर आ गया PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन के CT से लेकर PhD तक जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है ना, इनको टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी किस सिलेबस के तहत कराएगी, उसका सिलेबस ठीक है या नहीं है, डिग्री उसकी वैलिड है इस प्रोफेशनल एजुकेशन की या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, नेक्टे करता है। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1970 वाज, ये जो एयर मार्शल नूर खान थे इसने ये हेड की थी। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज, ये 1972 की पॉलिसी है, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो 1972 की पॉलिसी में ये नेशनलाइज किए गए थे, भुट्टो की पॉलिसी थी। 1979 की पॉलिसी में फिर ये डी नेशनलाइज किए गए थे। ओपन उसके बाद है अपर लिमिट इन ईसी एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली एजुकेशनल पॉलिसी है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2009, जिसके अंदर बाकायदा एक चैप्टर शामिल किया गया जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान में ईसी की जो ऑफिशियल एज है वो 3 से 5 साल है। तो यहाँ पर अपर एज पूछी गई है तो 5 ईयर, अगर लोअर पूछी जाती तो 3 ईयर होती ईसी की।
95 है। ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश अंडर द पॉलिसी 1972। ओपन यूनिवर्सिटी 1972 की पॉलिसी में बनी थी। ये 1974 में मुकम्मल हुई थी। 1977 में इसका नाम इसका पहला नाम पीपल अलामा इकबाल ओपन है पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था। 1977 में फिर ये चेंज करके अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। तो इसको ये पाकिस्तान की और एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है। यूके यूनिवर्सिटी 1969 में बनी थी, ये 1974 में बनी थी, 5 साल बाद। यूके ओपन यूनिवर्सिटी पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज इस्लामिक वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इफ काउंसलिंग सर्विसेज इज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ फॉलो अप का क्या है कि जो बच्चे आपके पढ़ चुके हैं उनके साथ आप इन टच रहते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन पिछले एक पेपर में था कि काउंसलिंग सर्विस का एम क्या होता है एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। 98 इन अ क्लास देर आर चिल्ड्रन हु यूजली गेट आउट ऑफ द सोशल सर्कल, हाउ डू यू डिस्क्राइब दीज चिल्ड्रन। ये सोशल टाइप होते हैं। फॉर द काउंसलिंग सर्विसेज टू बी इफेक्टिव द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड फेमिलराइज हिमसेल्फ विद द नेचर गोल एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो काउंसलिंग सर्विसेज को इफेक्टिव होने के लिए उसको अपने आप को फेमिलराइज करना चाहिए काउंसलिंग सर्विसेज से। वट इज़ अल्टीमेट एम ऑफ काउंसलिंग फॉर द इंडिविजुअल टू अटेन। अल्टीमेट एम जो है ना वो काउंसलिंग सर्विसेज का क्या होता है, काउंसलिंग इज टू एनेबल द क्लाइंट टू मेक देयर ओन चॉइसेस रेदर एंड रीच देयर ओन डिसीजन एंड एक्ट अपॉन देम। तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, सेल्फ डायरेक्शन आप कह सकते हैं। तो ये जो है वो अल्टीमेट एम होगा उसका काउंसलिंग सर्विसेज का। उसके बाद जो इंग्लिश का पोर्शन है जी, इंग्लिश के पोर्शन के जो 20 मार्क्स हैं अब हम उनकी तरफ जाते हैं, ये भी कर लेते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला दो मज़ीद पेपर हैं वो मैं आपको करवाऊंगा और फिर हम फुल चैप्टर रिव्यू की बात करेंगे और क्विक रिव्यू जो है फुल चैप्टर रिव्यू है वो भी करेंगे और एमसीक्यूज़ फाइल भी। शी लिव्स ऑन एल्बर्ट स्ट्रीट, ये क्वेश्चन नंबर वन था। क्वेश्चन टू है द टू बॉयज आर अलाइक इन लुक्स बट नॉट इन पर्सनैलिटी। He is enjoying his latest job. Question 3. The repairs are expected to cost more than you think. ठीक है। और 5 है I can hear somebody is coming. 6 है I have known her for 3 days. 7 है I will be rich one day. उसके बाद 8 है बर्नार्ड डेवलप अ न्यू टेक्निक इन हार्ट सर्जरी। 9 है ऑल दैट यू से इज सर्टेनली ट्रू। उसके बाद 10 है शी माइट बी हेयर टुमारो। 11 है आई वेटेड फॉर हर अनटिल 6 o'clock बट शी डिड नॉट कम। 12 है आई विश टुडे वाज संडे। 13 है आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन अ गेम ऑफ टेनिस। 14 है आई लाइक टू बी अलोन फॉर शॉर्ट पीरियड्स। 15 है आमिर इज अलमोस्ट लाइक अ फादर टू मी। 16 है जी एज सून एज आई सा हर I know that I had met her before. 17 है we need a computer with a huge memory. 18 है we need a car with better fuel efficiency. 19 है Lisa and Tom are going to visit their aunt. Select the sentence with correct pronoun usage. The cat lost its toy. अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। मेरी एक किताब है पास्ट पेपर के ऊपर, अगर आप वो बुक मेरी ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो बुक ख़रीद सकते हैं। नया एडिशन मेरा बुक का ऑब्जेक्टिव एडिशन का 6th एडिशन है जिसके अंदर ये सारे पेपर पास्ट जो है वो मौजूद हैं। तो 60 पेपर इस किताब के अंदर मौजूद हैं। ये देखें 60 पास्ट पेपर मुश्तमिल ये बुक है। 0332805905 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर रब्ता करके ये बुक मेरी परचेज़ कर सकते हैं। आज ही आपको भिजवा दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।